रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है, ये भी हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में सुना हुआ है। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है जो हमें ये बता देता है उस नंबर को देखते हुए कि वेलोसिटी या जो भी आपकी जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट है। तो अगर फ्लो स्ट्रीमलाइंड है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लो होती है, और अगर टर्बुलेंट है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड डिफाइन करती है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो आर बढ़ जाएगा, कम है तो आर कम हो जाएगा, कम है तो स्टेडी है, वी बहुत ज़्यादा है तो टर्बुलेंट है। डायमीटर बाई ईटा, तो अगर इसमें जो इम्पोर्टेंस है रेनॉल्ड्स नंबर का यही है, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं इसमें कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर लाइज बिटवीन 0 and 2000, तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 0 और 2000 के बीच में आता है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, तो लिक्विड का फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइंड है या लैमिनर है, स्मूथ फ्लो है या स्टेडी फ्लो है। और अगर ये नंबर 3000 से बड़ा है तो फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है, तो टर्बुलेंट फ्लो है। और अगर ये नंबर 2000 और 3000 के बीच में है, हम बोल नहीं सकते फ्लो स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे क्वेश्चन आएगा एक वाटर पाइप के अंदर मूव कर रहा है, पाइप का रेडियस क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो पाइप में लिक्विड की वेलोसिटी हमें दे दी गई है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्लो, आपको नेचर ऑफ द फ्लो बताना है क्या है, कि स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट है। आप एक काम करें, आपको विस्कोसिटी पता है और डेंसिटी पता है, तो आप क्या कर लें, इसमें रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लें। रेनॉल्ड्स नंबर में डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और ईटा पता है, सॉल्व करके रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है, 4500। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्योंकि 3000 से ज्यादा है तो फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है, इसका आंसर टर्बुलेंट है। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट कि फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइंड।